आज मैं आपकी मुलाकात स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के उस समय के जब वह साइकिल से प्रचार करते थे, यानी कि उनके शुरुआती समय, तो उस समय के अनुभव हमारे बीच साझा करने के लिए चौधरी ऋषिपाल जी हैं मेरे साथ। तो इनसे हम पूछेंगे, वो पुरानी यादें बाबूजी से जुड़ी हुई, कि वो किस तरीके से चुनाव प्रचार करते थे, किस तरीके से अपने इलेक्शन को मैनेज करते थे, और क्या क्या उनमें खासियत थी जो आज तक ये भुला नहीं पाए। तो आइए मिलते हैं चौधरी ऋषिपाल सिंह जी से। ऋषिपाल जी, आपका स्वागत है द न्यूज स्कैन में बहुत बहुत। बाबूजी 1932 में जन्मे, और जब हमने होश संभाला तब बाबूजी शिक्षक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े नैतिक बान शिक्षक थे। बाबूजी के मन में आई कोई सुधार की, तो 1962 में आप जो है पहले इलेक्शन में खड़े हुए, दीपक उनका चुनाव चिन्ह था। तब 1962-63 में मैं इंटरमीडिएट नाइन्थ में मैंने एडमिशन लिया केमी इंटर कॉलेज में, बाबूजी साइड के दूसरे कॉलेज में शिक्षक थे जी, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए साइकिल से यात्रा किया करते थे। हमारे जब संपर्क हो गए, उनके पुराने स्टूडेंट हमारे गांव के लोग थे, चौराहों पर खड़े होते, सम्मान बाबूजी को सम्मान मिलता था, गुरु जी आ गए, मासा आ गए, इस तरह से। तो हमारा भी परिचय हो गया, गाँव में आना जाना था ही। तो जब परिचय हो गया, तो बाबूजी जब चुनाव प्रचार को जाते थे, तो छुट्टी होने के बाद हम भी बाबूजी के साथ लग जाते थे साइकिल पे, और दो चार गांव घूम घाम के हम अपने गांव चले जाते थे। और वो खैर, जब तक इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था, पहला इलेक्शन तो बाबूजी हारे, लेकिन जागृति बनी रही, इन्होंने पहला चुनाव बाबूजी 1967 में जीते। उससे पहले पंडित श्रीनाथ मुखरिया थे, उनको बाबूजी अपने गुरु कहते थे, उनका लड़का और ब्रजेश मेरा क्लास फेलो था, तो मैं पंडित श्रीनाथ मुखरिया के मकान में रहता था, बाबूजी वहाँ आया करते थे अपनी शाखा लगाने के लिए, श्रीनाथ मुखरिया जी को बुलाने के लिए। तो हम बहुत देर तक, जब तक अपनी तैयार नहीं होते, मैं और ब्रजेश भाई साहब इस तरह से कह करके चोहलबाजी और कुछ आदर्श बातें और बहुत तरह से, इस तरह से वो घनिष्ठता हो गई। और पहला चुनाव जब जीते, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, अतरौली का नाम हुआ। बाद में वो बहुत सारी घटनाएं हुई, चुनाव जीतते गए बाबूजी लगातार अतरौली से। 1975 में इमरजेंसी लागू हो गई, आपात स्थिति, सब नेताओं को जेल में भेज दिया। बाबू कहते हैं ना, तप करके कंचन हो, सोना जो है तप करके और जो है निखरता है कंचन जो है, तो इसी तरह से सब लोगों को जेल भेजा, नेताओं को, बाबूजी भी उसमें गए। तो मैं पहला व्यक्ति था जहाँ अतरौली स्टेशन पर भी हम लोगों ने सब, बहुत भीड़ थी, सब लोगों ने स्वागत किया जब जेल से छूट के आए। आपातकालीन खत्म हो गया 77 में और चुनाव घोषणा हो गई, तो उस समय बाबूजी जनता पार्टी बनाई अपोजिशन वालों ने, सब ने मिल करके, जिसमें चौधरी चरण सिंह थे, मुरारी देसाई थे, बाबूजी भी थे, और वो तो सेंटर में मुरारी देसाई की गवर्नमेंट बन गई, कांग्रेस गवर्नमेंट अपदस्थ हुई, चौधरी चरण सिंह गृहमंत्री बने, और इधर यूपी के चुनाव में राम नरेश जी मुख्यमंत्री बने, यूपी में भी चुनाव करा दिए थे चौधरी चरण सिंह ने। तो राम नरेश जी जब मुख्यमंत्री थे, उनकी गवर्नमेंट में कैबिनेट स्तर के स्वास्थ्य मंत्री बने बाबूजी, तब इन्हें मंत्रिमंडल का अनुभव हुआ जी। फिर लौट के पीछे नहीं देखा, एक बार जरूर अनवर खां से बीच में हार गए थे, बाकी बाबूजी 8-9 बार, लगभग 8 या 9 बार जीतते रहे हैं, और 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं बाबूजी। तो जब भी थे, क्षेत्र का इतना ध्यान रखते थे वो, कि जब भी कोई व्यक्ति अगर उल्टा सीधा पत्र भी भेज देता था, तो बाबूजी उसको बड़े गंभीरता से लेते थे, क्षेत्र में भी आते थे। मायावती के साथ उन्होंने जब गवर्नमेंट बना ली 6-6 महीने की बात जी जी, तो उससे लोग त्रस्त होने लगे, सब आपने वो जो है इस तरह का परेशान किया जा रहा है लोगों को, ये कौन सा शासन कैसा आ गया। तो बाबूजी यूं कहते थे कि धैर्य रखिए,
सब्र करिए, सबको संतुष्ट कर दूंगा। हम ये सोचते थे कि संतुष्टि कैसे संभव होगी, जी जी, पर सफर के दूसरे ही दिन उन्होंने दलित एक्ट के दुरुपयोग को रोका तो बोला बौखला करके उन्होंने अपनी जो है वापस लिए समर्थन मायावती ने। हाँ, और चार दिन इसी तरह से 19 अक्टूबर को ये जब समर्थन हुआ तो आया राम गया राम की बात स्थिति बनती गई। जी जी, यद्यपि वो चार दिन आया राम गया राम की स्थिति में बीते तो विभिन्न आशंकाएं लोगों को क्या होगा क्या नहीं होगा, अंत में विजय सत्य की हुई। तो वो मैंने एक लेटर लिखा और ये लेटर था 28/10/97 जब मुख्यमंत्री थे, जब मुख्यमंत्री आप बन गए, इसमें जीत करके दोबारा से जब मुख्यमंत्री बन गए तो मैंने लिखा था आपको बहुत बहुत बधाई है दीपावली के नन्हे दीप आपके पथ प्रदर्शन करें, सदा पथ को प्रकाशित करें। मैं सोचता हूं कि महाभारत के कृष्ण भी अकेले थे, उन्होंने अपनी नीतियों के बल पर इतने बड़े युद्ध में कौरव दल से विजय दिलाई थी जी, और आपने भी अपनी नीति कौशल से 21/10/97 का यह युद्ध जीता, क्योंकि कृष्ण और कल्याण दोनों का राशिफल एक है। एक वैसे भी जनानाम कल्याणाम हितार्थैव जन्मम अधायत येन सिंहेन सह कल्याण सिंहा, मनुष्यों के कल्याण के लिए ही जन्म धारण किया हो जिस सिंह ने वो कल्याण सिंह है। जनानाम कल्याणम करोति इति कल्याणम, परंतु युद्ध में घबराए हुए पार्थ को माया मोह ममता व आसक्ति हुई तो ये सर कृष्ण ने उसे अनासक्त भाव का उपदेश दिया और वह माया मोह ममता से ऊपर उठकर युद्ध को तैयार हो। ठीक उसी प्रकार शायद आप भी जनहित में जब तक माया के प्रति आसक्त रहे, मानसिक क्लेश और कष्ट झेलते रहे, 6 माह तक आप अपने व कार्यकर्ताओं के अरमानों को मसलते रहे, और अब जब आप माया मोह ममता से निराशक्त हुए हैं तो मानसिक शांति आई है, क्योंकि संसार माया का पसारा, राजनीति भी माया ही है एक तरह का, जी, जी, जी। और माया ही सब कष्टों की जड़। कवि ने तो कहा है माया महा ठगनी हम जानी, माया से निराशक्त होना ही ठीक है। तो आपके दिनांक 28/10/97 को अतरौली आगमन के अवसर पर आपके व्यक्तित्व को इंगित करते हुए मैंने 4 शब्दों की जो लाइनें लिखी हैं वो आपको मैं शुभकामनाओं सहित भेज रहा हूँ। मान्यवर, कुछ निंदा अंश, तुम क्या हो किसको कितने प्रिय स्वयं न जानोगे, इस क्षेत्र का जन समुदाय मन से आभारी है। आपकी जातिवाद क्षेत्रवाद और भयमुक्त वातावरण की ओर संकेत करते हुए मैंने लिखा है कि तुमने जनता के वर्गों में भेद नहीं जाना जी। तुमने जनता के दुख को अपना दुख माना, तुमने चाहा यही कि क्षेत्र का नित्य प्रतिमान बढ़े और साथ में जनता का जन में सम्मान बढ़े, यानी भयमुक्त वातावरण बने। ऐसे शुभचिंतक को हम कैसे अभिनंदन दें, केवल शब्द सुमन ही अर्पित भेंट तुम्हारी है, स्वागत करूं तुम्हें मानेवर कैसी लाचारी है। जो शिक्षाएं मिली आपसे उसे निभाएंगे, हम भी वचन यही देते कर्तव्य निभाएंगे, ढेरों खुशियां रहें सफलता सदा चरण चूमे, उन्नति पथ पर बढ़ो कामना यही हमारी है। अनेक अनेक कोटि से शुभकामनाओं सहित ये पत्र मैंने लिखा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 28/10/1997 को। उसका जवाब हुआ थे नहीं आया, लेकिन अतरौली में उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई थी। उस समय मैं जनता इंटर कॉलेज धर्मपुर में प्रवक्ता पद पर, और 2011 में रिटायरमेंट के बाद मैं तो आध्यात्मिक से जुड़ गया हूँ। अच्छा, कल्याण सिंह जी की और पुरानी यादें कुछ ताज़ा कीजिए। जैसे जैसे कि खासकर चुनाव से जुड़ी हुई, कि किस तरीके से वो चुनाव को मैनेज करते थे भाई, किस तरीके से प्रचार करते थे थोड़ा। देखिए भाई, जब जमाना बड़ा सात्विक वृत्ति का था, 1962 का चुनाव साइकिल से हुआ, 1967 में एक जीप आई,
अच्छा उससे प्रचार करते थे, कुछ लोग वैसे पहुंच जाते थे, कुछ लोग जीप से, और कभी डीजल निबड़ जाता था तो केन लेकर के डीजल जो भरवाने के भेज देते थे, कभी गड़बड़ हुई तो किसी के यहाँ खड़ी करके उसको, और फिर लौट आए। इस तरह का सात्विक वृत्ति का चुनाव था, न इस तरह की काट छांट थी, तिगड़ा में थी, नैतिकता का चुनाव था सात्विक वृत्ति का। आज तो क्या ह्रास हुआ है, तो राजनीति का सबसे ज्यादा ह्रास हुआ है आज के युग में, नैतिकता गिरी है राजनीति में, कि नैतिकता का पतन हुआ है। तो कल्याण सिंह शुरू से ही नैतिक रहे थे, एक बार स्वास्थ्य मंत्री रहे, दो बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, और उसके बाद वृद्धावस्था में जब मोदी जी बन गए तो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे, हमारे संबंध लगातार बने रहे। तो साइकिल साइकिल से जैसा बताते हैं आप, साइकिल से प्रचार करते थे कल्याण सिंह जी, जी तो साइकिल साइकिल से अपना पूरा विधानसभा क्षेत्र गांव गांव घूम लेते थे इतना। हाँ, पास पास गांव में तो एक दिन में वो पहले से ही कर देते थे इस तरह से, पहले से ही बने तो इलेक्शन लड़ना ही था, तो पास पास गांव में तो 10-20 लोगों को ले लेते थे साइकिल वालों को ही, ऐसे बहुत से लोग थे, मैं अकेला नहीं, ऐसे बहुत से लोग थे जो साइकिल से उनके साथ प्रचार करते थे, एक दिन में 8-8, 10-10 काम कर देते थे, करी दो से के लगवाए है गाँव, एक महीना प्रचार कर देते थे, वो तो नामांकन के बहुत पहले से प्रचार शुरू कर देते थे। एक ही बार तो किया शुरू में 62 में 67 में तो जीप आ गई थी। अच्छा, 67 में जीप आ गई थी, 67 में दूसरे चुनाव में उनका जब पहली बार जीते हैं तो 67 में जीप आ गई थी एक। फिर उसके बाद अगले चुनाव में क्या क्या तरक्की हुई? अगले चुनाव में एक आध गाड़ी और बढ़ गई, फिर किराए वराए की ले लेते थे, फिर धीरे धीरे जो है इसी तरह से वाहनों से होने लगा था प्रचार, और जैसे जैसे विकसित होता गया तो एक दो वाहन और बढ़ा लिया, इसी तरह का विकास प्रचार प्रसार था। अच्छा, कल्याण सिंह जी अपने जो क्षेत्र के लोग थे तो उनके लिए मतलब किस तरीके से उनकी भावनाएं थी? नहीं, बहुत प्यार और सौहार्द से मिलते थे, उसके बाद उन्हीं पहचान बहुत थी। उनका कहना ये था कि देखिए, मैंने अपने क्षेत्र का हर गांव देखा हुआ है जी, आप मुझे मालूम है किस गांव में विद्यालय नहीं है, किस गांव में सड़क नहीं है, किस गांव में पानी की व्यवस्था करनी है, कहाँ कर करना है क्या, तो आप पैसा लेते जाइए। उनके चीफ मिनिस्टर काल में उन्होंने कहा था पहले में ही, पैसा लेते जाइए, क्षेत्र का विकास करते हैं। हाँ। दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बने तो हमें जब बहुत सारे जिले बन गए थे, मुलायम सिंह ने बनाए, मायावती जी ने बनाए, तो हमें भी उम्मीद थी कि अतरौली जिला बना देंगे। चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने इतना तो कर दिया कि वो राजकीय इंटर कॉलेज एक दे दिया, और एक लड़कियों का इंटर कॉलेज खोल दिया, और बाकी उन्होंने जिला नहीं बनाया। तो मैंने पूछा भी था कि सब जनपद की घोषणा हो जाए, अरे भाई बहुत पैसा खर्च होगा, बहुत पैसा खर्च होगा, अलग डीएम कार्यालय बनाना पड़ेगा, एसएसबी कार्यालय बनाना पड़ेगा, सारी चीजें अलग जिला बनाने के लिए, इतने पैसे से तो हम बहुत सारा विकास कर सकते हैं, और अतरौली से अलीगढ़ ज्यादा दूर नहीं है, तो इस तरह की उनकी भावना थी। तो पक्षपाती किसी तरह के नहीं थे, किसी ने मुख्यमंत्री बन के अपना वहां का विकास कर लिया या वहां का, वो समत्व की भाव थी, समता, समता, समत्वम योग उच्चते, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना, समतम समत्वम योग उच्चते, समता जब आ जाती है तो अपना पराना कोई रहता नहीं है। तो वह भावना बाबू कल्याण सिंह में थी, समता का, कोई भी चले जा उनके खिलाफ पार्टी का उसका और ज्यादा सम्मान करते थे। हमारे चाचा जी बाबू ओंकार सिंह जी ब्लॉक प्रमुख भी रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, लेकिन जब गांव में गए चाचा जी ने बहुत सम्मान किया, फिर एक चचा और हमारे थे वो बाबू जी के साथ जुड़ गए, हमारी भावना शुरू से ही बाबू जी के साथ रहे। जैसा कि अब कल्याण सिंह जी के गुजर जाने के बाद जी, उनके सुपुत्र राजवीर सिंह राजू भैया जब कभी भाषण देते हैं तो उसमें कल्याण सिंह की झलक देखने को मिलती है प्रतिमूर्ति, तो क्या अब ये आने वाले समय में कल्याण सिंह की जो विरासत है, खासकर राजनीति की विरासत, उसको किस तरीके से संभालेंगे, क्या कुछ ऐसी प्लानिंग, क्या इतना ही समर्थन मिलेगा राजवीर सिंह राजू भैया को जितना कल्याण सिंह को वहाँ पब्लिक देती थी? भाई ऐसी बात की मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना है कि राजू भैया पे काम बहुत है, सांसद हैं ईटा के जी जी, और उनके पुत्र अभी संदीप जी शुरुआत है, अतरौली क्षेत्र भी उन्हें देखना जी जी, लोकसभा का क्षेत्र भी देखना और इधर का भी देखना, तो व्यस्तता बहुत है राजू भैया का जी जी जी, तो व्यस्तता में भी वो काफी
समय निकाल लेते हैं और आप जाके देखिए, आज मैं देखता हूँ वहाँ राज पैलेस में जब भी होते हैं पब्लिक से मिलते हैं तो 500-500 हजार हजारों की संख्या हो जाती है मिलने वालों की। जी जी तो व्यस्तता में कितना समय निकाले और क्या लहराए, तो ऊपर से चलता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है, योगी और मोदी दोनों ही ईमानदार छवि के हैं। जी जी। तो उस समय उसकी भी मदद मिलती है, बाकी प्रचार प्रसार की मिलती है। उसी बात आपको बता दूं मैं, एक बार प्रेमलता जी हारी बीरेश यादव से 2012 का चुनाव। जी जी। तो बीरेश यादव को मात्र 44,000-45,000 वोट मिले और प्रेमलता जी 10,000 वोटों से हारी, 35,000 वोट मिले। जी जी। लेकिन अगली बार 17 में राजू भैया के सुपुत्र संदीप जी जब इलेक्शन, तो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, उसमें बीरेश यादव को जीते हुए कार्यकाल से भी 10,000 वोट ज्यादा मिल गई, 55,000। लेकिन संदीप जी के शायद 1,15,000 वोट थी, दूने वोटों थी। जी जी जी। तो वो लहर की भी बात फर्क है। राजू भैया प्रयास कर रहे हैं और पब्लिक को ज्यादा शिकवा शिकायत तो है नहीं, जो कुछ था शिकवा शिकायत सेंटर से, किसान नाराज थे या कोई बात थी, वो मोदी जी ने वापस भी ले लिया। और हम तो मोदी जी से भी अनुरोध करेंगे कि वो अगर MSP पे वो भी गारंटी दे दें तो फिर कोई मामला रह ही नहीं गया है, उसको अगर कानून बना दें MSP की गारंटी की तो बाकी तो वो। अच्छा, कल्याण सिंह जी जैसे किसान भी थे जी, शिक्षक हाँ, भी थे हाँ, खेती करते थे, राजनेता भी थे हाँ, तो इन सब में ज़्यादा सफल किस में मानते हैं आप उन्हें? नहीं, जब तक वो शिक्षक रहे, अपने पिताजी के साथ खेती भी करते रहे, माजर करते हुए उनको मैंने देखा। अच्छा अच्छा। और राजनीति में फिर आ गए तो फिर वो तो छूट जाता है, शिक्षक भी अपन छूट गया पैसा, और खेती वेती तो नौकर मौकर देखते रहे। खैर, तो राजनीति में पूर्ण सफल रहे, मैं तो यही कहूँगा राजनीति में पूर्ण सफल। तो अब कल्याण सिंह जी की केवल यादें हमारे बीच रह गई हैं। हाँ, यादें शेष हैं सर। तो उन्हीं यादों के साथ में जी, जो उनका कारवां है वो आगे बढ़ाना है। जी हाँ, बढ़ाना है, इसमें कोई बात नहीं, हम उनके पथ प्रदर्शन पर आगे बढ़ाए, दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे। राजू भैया से भी हमारा तो यही कहना है, संदीप जी से भी कहना है कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर वो चलते रहें। हम लोग भी चूंकि क्षेत्र में, चूंकि हमारा संबंध उनसे बहुत अच्छा रहा है जी जी, और अच्छा रहने के बाद भी उनके कुछ संस्कार हम लोगों में हैं जी जी। तो भाई अब हम तो आदर्श रहे, राजू भैया तो उनके खास पुत्र हैं, पुत्र हैं, तो बाप का असर तो बेटे पे आता ही है कुछ न जी कुछ जी जी, संस्कार तो कुछ न कुछ आते ही। तो मैं तो आशा करता हूँ कि राजू भैया पूर्ण सफल रहे हर चीज में। जी जी। राजू भैया जी सांसद हैं ही उधर से, यहाँ से विधायक उनके पुत्र हैं ही, और कई बार विधायक भी रहे राजू भैया, डिबाई क्षेत्र से विधायक रहे जी जी, और मंत्री भी रहे, कैबिनेट स्तर के मंत्री भी रहे जी जी, स्वास्थ्य मंत्री भी रहे खुद जी जी, तो उन्हें अनुभव है पूरा, और तो ऐसी कोई बात नहीं है, और आशा है कि कोई अड़चन नहीं आएगी हमारे। तो राजू भैया को भी बधाई और संदीप सिंह को भी बधाई और भाव कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि।